पाँच छः सात। अरे वाह, क्या भाई, क्या हो रहा है? ध्यान से बहना, मैं इस ट्री हाउस की सफाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम है ये तो। डार्विन, यहाँ बहुत ज्यादा चीजें हैं, क्या मैं मदद करूँ? जरूर, लेकिन पहले मुझे अपनी चीजों को तरतीब से रखना है, फिर एक तफसील मंसूबा बनाना है और फिर मैं सब कर दूंगी। देखो मेरी नई इजाद, मैंने इसे नाम दिया है रोबोट आर्म। ये सब उठा लेगा, ये नहीं चाहिए, और ये पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ। ओ न्यूर्स, तुम क्या कर रही हो? न्यूर्स, तुम हर चीज को इस तरह ट्री हाउस से बाहर नहीं फेंक सकती हो। मुझे माफ कर दो डार्विन, मैं बस मदद करना चाहती थी। मैं जानता हूँ कि तुम मदद कर रही थी, लेकिन तुमने ये बड़ी गड़बड़ कर दी। अब किसी को तो साफ करना होगा। या अल्लाह, सबसे पहले मुझे चीजों को तरतीब से रखने की जरूरत है, साइज के मुताबिक, फिर शेप के मुताबिक, और फिर रंगों के हिसाब से। इसकी जरूरत है, इसकी भी, इसकी भी। ऐसा लगता है मुझे इन सभी चीजों की जरूरत है। ओ, सिवाय इस क्रिकेट के बल्ले के, तो इसे फेंक देना ही बेहतर है। हेलो बर्फी, तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? ये क्या है? न्यूट सब साफ कर रही थी, डार्विन ने तुम पर क्रिकेट का बल्ला फेंक दिया। ओह, लेकिन उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। एक मिनट बर्फी, क्या बड़ी दलदल, ये वाकई बहुत दूर है। बेहतर होगा कि डार्विन और न्यूट्स को बताऊं। आओ, ये काम में आ सकता है। डार्विन, न्यूट्स, खुशामदीद, तुम कैसी हो हीना? मैंने अभी बर्फी को देखा, वो वाकई पागल हो गया है। वो कह रहा था कि उस पर तुमने टूटा हुआ बल्ला फेंक दिया। ओहो, माफ करना बर्फी, वो कहाँ है? वो अपनी फ्रेंड अफीफा से मिलने के लिए बड़ी वाली दलदल चला गया। वो बड़ी दलदल? वो तो वाकई दूर है। हाँ, मैं जानती हूँ, आज बहुत ज्यादा गर्मी है और मैं परेशान, मेंढक को पानी की जरूरत होती है। तो हम बर्फी की बड़ी दलदल तक पहुँचने में कैसे मदद कर सकते हैं? चलो साइंस की मदद लेते हैं। बर्फी के बर्तन में सब कुछ गीला है, उसके नहाने की जगह, उसका लीली पैड, यहाँ तक कि उसका मक्खी पकड़ने वाला भी। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्फी एक एम्फीबियन है। वहाब! एम्फीबियन? इसका क्या मतलब है वहाब? एम्फीबियन, इसका मतलब है कि मेंढक पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं। जमीन पर हों तो जरूरी है कि उन्हें किसी दलदल या दरिया या नम जगह के करीब होना चाहिए। उनकी जिल्द की हिफाजत के लिए मेंढक पानी पीने की बजाय अपनी स्पंज जैसी जिल्द से नमी के जरिए पानी जज्ब कर लेते हैं। लेकिन बर्फी की जिल्द खुश्क नहीं होनी चाहिए, उसे नम ही रहना चाहिए। अगली मुलाकात जल्द होगी। गुड लक। शुक्रिया वहाब। ठीक है, हमें बर्फी की जिल्द को नम रखना है जैसा वहाब ने कहा। ठीक है, हो जाएगा। पेश है मेरी नई इजाद, बर्फी कहाँ गया? ये है सजीला, ठंडा और गीला गीला। अच्छा है न्यूट्स। इतनी तेज हवा तो एक बार हमारे बचपन में चली थी। उस दिन हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, वो मेरे सारे बालों को उड़ा रही थी।
मैं दरख्त के पीछे छुप गया ताकि कोई मुझे ऐसे देख न पाए। आज उसी रफ्तार से चल रही है, पर अब मैं ऐसी तेज हवा से परेशान नहीं होता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये हवा मुझे कहाँ ले जा रही है? अरे रोको मुझे। वहाँ किया? अरे नहीं, वहाँ ओ वो फंस गया है उस दरख्त में। मुझे दिखाओ ना। मैं ठीक हूँ। हमें उसकी मदद करनी होगी। चलो, साइकिल चलाना मुश्किल है, हवा अभी भी तेज है। चलो साइंस की मदद लेते हैं। हवा तेज है, जब हम हवा के बिल्कुल सामने हो तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब हवा वहाब की पिछली तरफ से चल रही हो तो वो आसानी से आगे बढ़ेगा और निकल जाएगा। तो हमें एक बड़े कपड़े की जरूरत है, उसे हम जहाज के बादबान की तरह इस्तेमाल करें तो हम तेजी से आगे जा पाएंगे। अच्छा आइडिया है भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने इसे पहना हुआ है। पेश है मेरा सुपर ट्रिक स्पीडर। बहुत अच्छे, असली जंग के लिए तैयार हो सिपाही? आय आय कैप्टन डार्विन। सब तैयार है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हम हैं बेहतरीन, कमाल। हवा अब हमें आगे बढ़ा रही है। वाकई साइकिल चलाने में मुश्किल नहीं हो रही, तुम्हें बहाव दिख रहा है? हाँ, वो अब भी फंसा हुआ है। देखो न्यूट्स, पानी। शुक्रिया, लेकिन मुझे प्यास नहीं है। नहीं, पानी। फिक्र मत करो। हम वहाँ वहाब की मदद करने के लिए कैसे पहुँचेंगे? मैं ठीक हूँ। हमें वहाँ पहुँचना है। देखो, चप्पू कहाँ है? हम इसे कैसे चलाएंगे? इस बादबान का इस्तेमाल करेंगे। वहाब, हम मदद के लिए आ गए हैं, क्या तुम अपना हाथ बढ़ा सकते हो? टीम 1 2 3 खींचो। ये काम नहीं कर रहा। रुको, देखो, हाँ ये काम कर रहा है। पैर चलाओ, तुम बादबान वाले वहाब हो। तुम सबका बेहद शुक्रिया। हमने कर दिखाया, हमने तुम्हें बचा लिया वहाब। हा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 ह